नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिनभर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नाहन मनाली में बादल फटा, कई घरों में घुसा मलबा, आधी रात को लोगों ने भागकर बचाई जान। 25 सितंबर के बाद खुल सकते हैं स्कूल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दिए संकेत। धर्मशाला में T20 मैच, अगले साल भारत और श्रीलंका के बीच होगा मुकाबला। सुन्नी में 4 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित, रिकॉर्ड मेंटेन न करने पर विभाग ने कसा शिकंजा। सेल्फी लेते वक्त ब्यास में बहे माँ बेटा, दिल्ली से मनाली घूमने आए थे अभागे। सर्पदंश से युवक की मौत, नगरोटा सूर्या के कथोली की है घटना। लड़बड़ोल कॉलेज में जोरदार मुकाबले, छात्रों ने दिखाई प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने जमकर कहर बरपाया है। नाहन और मनाली में बादल फटने से लोगों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। जानकारी के अनुसार सोमवार देर रात को नाहन के शील गांव में बादल फटने से नदी नालों में एकाएक जलस्तर बढ़ गया। गांव के छोटे नाले जब पानी के वज्रपात को बर्दाश्त न कर सके तो जंगलों के रास्ते पानी लोगों की जमीनों तक पहुँच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जैसे ही पानी घरों की ओर प्रचंड रूप से घुसने लगा तो लोगों ने जान को जोखिम में डालकर पानी का रास्ता बदल दिया। अगर समय रहते पानी का रुख न बदला जाता या फिर ये घटना रात को होती तो भारी जानमाल का नुकसान हो सकता था, लेकिन बाढ़ के चलते लोगों की फसलें तबाह हो गई हैं। दूसरी ओर पर्यटन नगरी मनाली उपमंडल के बरुआ पंचायत में भी बादल फटने से काफ़ी तबाही हुई है। बताया जा रहा है कि गाँव के एक दर्जन मकानों में बाढ़ का मलबा घुस गया जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। कुदरत के कहर से लोगों के बागीचे फसलें तबाह हो गईं। लोगों ने आधी रात को सुरक्षित जगह पर भागकर अपनी जान बचाई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंगलवार को स्कूल खोलने के संबंध में बड़ी बात कही। उन्होंने संकेत दिए हैं कि 25 सितंबर के बाद स्कूलों को खोला जा सकता है। सीएम जयराम ठाकुर ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि यकीनन स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा है। हालांकि राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट बढ़ रहे हैं, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। बच्चों के अभिभावक भी अब स्कूल खोलने के पक्ष में हैं। इसे लेकर मैंने शिक्षा विभाग को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दे दिए हैं। आगामी 25 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस मुद्दे पर मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। देश और दुनिया भर के तमाम क्रिकेट स्टेडियमों में सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में शुमार धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में फिर से रौनक लौटने वाली है और खेल नगरी एक बार फिर से क्रिकेट से गुलजार होगी। जानकारी के अनुसार 15 मार्च 2022 को भारत और श्रीलंका के बीच T20 मैच खेला जाएगा। काबिले गौर है कि भारत और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज खेली जाएगी, जिनमें से एक मैच धर्मशाला स्टेडियम के हिस्से भी आया है, जो कि इस सीरीज का दूसरा मैच होगा। गौर हो कि काफ़ी समय से यह मैच ना होने से क्रिकेट प्रेमी निराश हैं, लेकिन अब मैच होने की खबर से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। तो वहीं कोरोना से मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों को भी मैच होने से काफ़ी लाभ हो सकता है। नागरिक अस्पताल सुन्नी के साथ लगती 4 दवा दुकानों में रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होने के अलावा अन्य अनियमितताओं के कारण औषधि नियंत्रण विभाग ने दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। सहायक औषधि नियंत्रक नाहन सन्नी कौशल ने बताया कि दुकानों पर औषधि निरीक्षक के निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाई गई थी। औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत सुन्नी में 4 दवा दुकानों के लाइसेंस 3 से 10 दिन के लिए निलंबित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई कानून के अनुसार की गई है। दुकानें बंद होने के कारण मरीजों को कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि नागरिक अस्पताल सुन्नी में दवाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा आसपास के क्षेत्र में और भी दवा विक्रेता हैं। यदि किसी को कोई समस्या होगी तो प्रशासन और विभाग उसकी हर संभव सहायता करेगा। पुलिस व सरकार द्वारा बार बार चेतावनी देने के बाद भी लोग नदी किनारे सेल्फी लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। मंगलवार को एक बार फिर से दिल्ली से आए सैलानियों में मां बेटे को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने बताया कि मनाली के बहंग में ब्यास नदी के नजदीक प्रीति भसीन निवासी बोरीवाला बाग दक्षिणी दिल्ली और 12 वर्षीय रेहान का सेल्फी लेते वक्त पांव फिसल गया, जिस कारण वे दोनों ब्यास नदी में बह गए। होटल का कर्मचारी रवि उनको बचाने के लिए नदी में कूदा, लेकिन वह मां और बेटे को बचा नहीं पाया। दोनों की लाश 3-4 किलोमीटर आगे नदी के किनारे मिली। पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विकासखंड नगरोटा सूर्या की पंचायत कथोली के गांव कोटगिरी के एक युवक की सर्पदंश से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कथोली का 33 वर्षीय युवक बंटी रात को जब उठकर घर के आंगन में गया तो सांप के ऊपर उसका पांव आ गया और सांप ने उसे डस लिया। बंटी को परिजनों ने तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगरोटा सूर्या पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
गौरतलब है कि बंटी परिवार का एकमात्र सहारा था और मेहनत मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहा था। उसके पिता परशोत्तम लाल की पहले ही मौत हो चुकी है। बंटी अपने पीछे विधवा माँ, पत्नी व दो छोटे बच्चे छोड़ गया है। पंचायत प्रधान जीएस बेदी ने सरकार से मांग की है कि इस परिवार को आर्थिक मदद की जाए। राजकीय महाविद्यालय लड़बड़ोल परिसर में मंगलवार को उपमंडल कार्यालय जोगिंद्रनगर और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहयोग से भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दोनों प्रतियोगिताओं में 49 विद्यार्थियों ने प्रत्यक्ष तौर से जबकि अन्य विद्यार्थियों ने अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के अंतर्गत लोकतंत्र सशक्तिकरण में युवाओं की भूमिका, जागरूक मतदाता, सशक्त लोकतंत्र और मतदान जागरूकता में युवाओं की भूमिका आदि विषयों पर भाषण प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम की शुरुआत महाविद्यालय के कार्यकारी प्राचार्य डॉक्टर अमित कोडा के संबोधन से हुई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा एसडीएम जोगिंद्रनगर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि युवाओं को न केवल स्वयं जागरूक बनना है बल्कि अपने आसपास के समाज को भी जागरूक बनाना है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि ने विजेता छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया।